लेकिन यू नो मुनीषा फेक नहीं है, बिग बॉस में बहुत से कॉन्टेस्टेंट्स फेक है. शी इज नॉट अ इविल पर्सन. मीन्स मुझे ये सीधा सीधा बिग बॉस की लड़कियों के इस सीजन की लड़कियों को पूछना है कि आपको कभी किसी लड़के ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया? हर लड़का तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, क्या तुमको नोचना चाहता है? ये तो गलत बात है, इट्स नॉट राइट. कॉम्प्लीमेंट भी ना दे आदमी, तुम सचे के सवर के आते हो, आपको आपके बॉयफ्रेंड ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो आपको बुरा लगता है. बॉयफ्रेंड क्या दोस्त बोल नहीं सकता आपको कि अरे अच्छी लगती हो, तुमने ऐसा क्यों बोला? ऐसे कभी करते हो क्या बात? रिएक्ट अंदर क्यों कर रहे हो? मीन्स ये जो भी बोल रहे थे आई थिंक गलत था. चंद्रिका का गेम कैसा लगा आपको? फालतू गेम था, गेम ही नहीं था, तभी तो निकल गई. नॉट गुड. मुझे लगता है रणवीर शौर्य बहुत ही नेचुरल आदमी है, इज हिमसेल्फ. ये वो फेक नहीं है, वो बहुत रियल है. वो कैमरा के लिए नहीं करते कुछ भी, वो जो है वो बताते, अपने फीलिंग्स बताते. आई लुक एट हिम एज अ विनर, चाहे वो बिग बॉस ट्रॉफी जीते ना जीते, ही इज अ विनर. फॉर तो कल पहली एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो चुकी है घर के अंदर, वो है अदनान. क्या कहना है आपका? आई डोंट नो अदनान. हाय दिस इज कश्मीरा शाह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका. हाय एवरीवन, मैं हूं आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका. वेल, आज हमारे साथ है कश्मीरा. हाय, सबसे पहले तो कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू. इस बार का बिग बॉस आपने कितना फॉलो किया? बिग बॉस बहुत फॉलो किया क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुनीषा कटवानी बिग बॉस में थी, और ये मुनीषा का पता हो या ना हो लेकिन मैं जरूर जानती थी कि मुनीषा बिग बॉस के लायक नहीं है, क्योंकि मुनीषा बहुत रियल है, बहुत लविंग है, बहुत उसका ऑरा अच्छा है. वो किसी के साथ जानबूझ के झगड़ा नहीं करती, झगड़ा बोलती नहीं. अगर शो में झगड़ा चाहे तो वो नहीं करेगी. मैंने उसको बोला था कि तू इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ यू विल बी आउट, वही हुआ उसके साथ. लेकिन उसको ऑडियंस ने नहीं निकाला. हाँ, ट्रू. उसको घर वालों ने निकाला. और मैं ये मानती हूँ कि अगर उस हफ्ते वो एलिमिनेशन नहीं होता तो वो निकलती नहीं. दूसरी बात, अगर इस हफ्ते घर वाले निकालते, क्योंकि इस हफ्ते घर वाले प्रो विशाल हैं, कि विशाल के पेरेंट्स आए थे और दे हर्ड द ट्रूथ, तो मुनीषा कभी नहीं निकलती. लेकिन यू नो मुनीषा फेक नहीं है. बिग बॉस में बहुत से कॉन्टेस्टेंट्स फेक हैं, बट उनको फेक बनना पड़ेगा वरना वो जीतेंगे कैसे? सो आई डोंट ब्लेम देम. वेल, विशाल का एक इंसिडेंट हुआ था, उस पर आपका क्या कहना है जब उनके ऊपर हाथ उठाया गया था? देखो, वायलेंस इज ऑलवेज रॉन्ग, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में क्या हुआ? वो एक हस्बैंड ने एक लड़के को जिसने उसके वाइफ के बारे में कमेंट किया, मारा. अब अगर मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट कोई बोलेगा या मेरे बच्चों के कोई हार्म करना चाहेगा तो मैं भी काली बन के खड़ी रहूंगी ना, तो मैं भी शायद वायलेंट हो जाऊँ. ये हुआ प्रो अरमान, करेक्ट. अब प्रो विशाल ये है कि उसने जो बोला था वो किसी को नहीं मालूम, सिर्फ ऑडियंस को पता है. अब उसके पहले उसने कृतिका की तारीफ भी की थी, कृतिका ने हेलो किया था. अगर कृतिका को ये तारीफ बुरी लगती तो कृतिका शुड हैव सेड दैट आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक दिस, तो ये मत करो. पर कृतिका एक्नॉलेज्ड इट, वेंट. जब उसने बेचारे ने कटारिया को बोला तो उसने वो वर्ड यूज किया कि मैं गिल्टी हूँ यार, मुझे वो पसंद आया. उसने ये नहीं बोला कि कितनी खराब लगती है, एकदम गंदी लगती है, ऐसा नहीं बोला. तारीफ ही किया ना, स्माइल, अप्रिशिएट. अरमान ने भी कृतिका से इसीलिए शादी की क्योंकि वो सुंदर है ना, गंदी दिखती नहीं है. तो उसको ना इतना ना खींचा जाए, उसको बच्चा समझ के माफ कर दे. उसको आपने लाइफ लेसन दिया है फॉर एवर. वो मुझे नहीं लगता विशाल ऐसी गलती करेगा, लेकिन उसकी परवरिश की बात करना वगैरह दैट्स नॉट राइट. यू नो, आप सीधा पेरेंट्स पे जाकर गेम में आप हो ना, आप हैंडल करो. अब वायलेंस ठीक है नहीं है वो तो हमको पता है, वी आर फ्रॉम अ कंट्री विच इज नॉन वायलेंट. वायलेंस इज नेवर राइट, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. बट काफी लोगों ने ये भी कहा कि जब विशाल के साथ इंसिडेंट हुआ था बाकी कंटेस्टेंट ने, कि विशाल से सेफ रह के वो मतलब रहना, वो गलत है. हाँ, क्योंकि बाकी जो लड़कियां हैं या आप ये दैट्स रॉन्ग. आई मीन वो कोई उसने एक कमेंट किया था यार, वो कोई भक्षक नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, भक्षक ही बोलते हैं ना. ही इज नॉट अ इविल पर्सन. मीन्स मुझे ये सीधा सीधा बिग बॉस की लड़कियों के इस सीजन की लड़कियों को पूछना है कि आपको कभी किसी लड़के ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया? हर लड़का तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, क्या तुमको नोचना चाहता है? ये तो गलत बात है, इट्स नॉट राइट. कॉम्प्लीमेंट भी ना दे आदमी, तुम सचे के सवर के आते हो, आपको आपके बॉयफ्रेंड ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो आपको बुरा लगता है. बॉयफ्रेंड क्या दोस्त बोल नहीं सकता आपको कि अरे अच्छी लगती हो, तुमने ऐसा क्यों बोला? ऐसे कभी करते हो क्या बात? रिएक्ट अंदर क्यों कर रहे हो? मीन्स ये जो भी बोल रहे थे आई थिंक गलत था.
वेल काफ़ी अरमान की फैमिलीज को नेगेटिव मतलब कमेंट्स भी आ रहे, लोग उल्टा भी बोल रहे बिकॉज ये जो बिग बॉस है ये नेशनल टेलीविजन पे भी देखा जाता है अपने इंडिया में भी, तो क्या ये जो घर के अंदर तीनों का आना, बच्चे से लेके बड़ों का ये शो देखना, क्या ये सही था? ये इनके पे मैं कमेंट नहीं करूँगी, इनका पर्सनल लाइफ है, मैं कौन होती कमेंट करूँ? दे आर मैरिड सो आई कैन कमेंट ऑन दैट। जैसे मैं किसी को अधिकार नहीं देती मेरे मैरिज पे कमेंट करना, आई डोंट थिंक ये हमारा बिजनेस है, इट्स देयर लाइफ, दे आर हैप्पी टुगेदर। वेल विशाल की एक दोस्त ने ये भी बोला कि अरमान के ऊपर रेप का केस लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे आप? नथिंग, व्हाई वुड आई से एनीथिंग, मैं क्यों उसको बिलीव करूँ? ये बाहर की बात है, हम शो की बात करें, बाहर की जिंदगी बाहर की जिंदगी है, वो बाहर कुछ भी हो, अंदर उसको शो में मेकर्स ने लिया है तो किसी वजह से लिया होगा ना, इज द ओनली एंटरटेनिंग पर्सन इनसाइड, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, बाकी सब खाना बना रहे हैं, बोरिंग हो गए, यू नो ही इज डूइंग समथिंग। वेल तीन जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, विशाल कटारिया और मनीषा, क्या कहना चाहोगे? वो बॉन्ड टूट गया कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, वो बॉन्ड नहीं टूटा, आई थिंक मनीषा विल बी द फ्रेंड फॉरएवर, क्योंकि कुछ कुछ बॉन्ड्स जो पॉजिटिव बनते हैं अंदर और नेगेटिव वाले भी वो लाइफ टाइम रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना कि आप अपना ग्रुप ढूंढते हो, आप अपने गिरोह के लोग ढूंढते हो, आप अपना वाइब ढूंढते हो, उसकी वाइब उनसे मैच हुई, सो आई थिंक शी विल स्टिल बी फ्रेंड्स। तो चंद्रिका का गेम कैसा लगा आपको? फालतू गेम था, गेम ही नहीं था, तभी तो निकल गई, वाज नॉट गुड, बट शी वाज प्रीटी, शी लुक्ड गुड, बट गेम अच्छा। वेल कहीं ना कहीं अगर मैं बाकी कंटेस्टेंट की बात करूं तो अगर इसके अलावा मनीषा तो बाहर आ गया, अगर किसी का गेम आपको पसंद आया वो किसका है? गेम नहीं बोलूंगी मैं, गेम अरमान का अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है रणवीर शौर्य बहुत ही नेचुरल आदमी है, इज हिमसेल्फ, ये वो फेक नहीं है, वो बहुत रियल है, वो कैमरा के लिए नहीं करते कुछ भी, वो जो है वो बताते, अपने फीलिंग्स बताते, आई लुक एट हिम एज अ विनर, चाहे वो बिग बॉस ट्रॉफी जीते ना जीते, ही इज अ विनर। फॉर तो कल पहली एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो चुकी है घर के अंदर, वो है अदनान, क्या कहना है आपका? आई डोंट नो अदनान, तो अब देखूंगी कैसा कर रहा है, मैं उसको बिग बॉस के थ्रू जानूंगी। तो अभी तक जो बिग बॉस आया आपको सबसे अच्छा सीजन कौन सा लगा? अरे द वन एंड ओनली फर्स्ट सीजन एंड सीजन 13, बहुत कमाल के सीजन थे ये दो, और दोनों में मैं थी।